हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर प्रोटोजोआ? ये प्रोटोजोआ मतलब फर्स्ट एनिमल्स। दे आर डिस्क्राइब्ड एज यूकेरियोट्स। दे आर टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये जमीन पर पानी में और एज पैरासाइट मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। हम इनको अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, इनको हमको माइक्रोस्कोप पर देखना होता है। ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। इनमें जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो उस प्रोटोजोअन के सेल में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं। प्रोटोजोआ अकोशिकीय व सूक्ष्मदर्शी प्राणियों का समूह है। ये जीव पृथ्वी के सभी आवासीय परिस्थितियों, जल, थल, वायु, प्राणियों तथा प्लांट्स की बॉडी के भीतर पैरासाइट और सिंबायोसिस के रूप में रहते हैं। 21वीं सदी के भीतर जीवन यापन करने वाले मनुष्य के लिए इनका महत्व नगण्य होना चाहिए, किंतु ये बहुत छोटे वह अहम महत्वपूर्ण दिखाई देने वाले जंतु वास्तव में मनुष्य के लिए ही नहीं, पूरे प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हानिकारक, लाभकारी व रोगजनक भी होते हैं, जैसे कि बेनिफिशियल प्रोटोजोअन्स, हार्मफुल प्रोटोजोअन्स एंड पैथोजेनिक प्रोटोजोअन्स। जो बेनिफिशियल प्रोटोजोअन्स होते हैं, उनसे हमें लाभ मिलता है, और जो हार्मफुल प्रोटोजोअन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोअन्स होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटोजोअन्स होते हैं जो कि एनिमल्स या मनुष्य जाति में रोग फैलाने का काम करते हैं। फर्स्ट, बेनिफिशियल प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ का मानव व अन्य प्राणी समुदायों पर लाभदायक प्रभाव के लिए हम डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट, हेल्पफुल इन सैनिटेशन। प्रोटोजोआ की अनेक जातियां स्वच्छ जल में रहती हैं, और होलोजोइक विधि से जल में रहने वाले बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं। इस प्रकार इनडायरेक्ट तौर पर ही सही, ये जो वाटर बॉडीज होती हैं, उनके जल को पीने योग्य बनाए रखती हैं। इस प्रकार ये पानी में पॉल्यूशन के स्तर को घटाते हैं। इस तरह ये मनुष्य व अन्य जीवों के लिए जल शुद्ध व उपयोगी बना रहता है। सेकंड, सिंथेसिस ऑफ फूड। स्वच्छ और समुद्री जल में अनेक प्रोटोजोआ रहते हैं। ये जल में तैरते हुए अनेक जंतुओं, इनके लार्वा आदि का भोजन बनते हैं। इन्हें खाने वाले जंतु फिर सीलेंट्रिड्स, क्रस्टेशिया, एनेलिडास, फिशेस, जो मैमल्स होते हैं, उनका भोजन बनते हैं। इस प्रकार प्लकीय व तलीय प्रोटोजोअन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से निम्न स्तर के एनिमल से लेकर उच्च स्तर के एनिमल्स का भोजन बनते हैं। कुछ प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपने लिए भोजन सिंथेसाइज करते हैं। ये भी इंसेक्ट, प्रॉन्स, फिशेस आदि का भोजन बनते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार से ये फूड चेन में प्रथम स्थान रखते हैं। नेक्स्ट, सिंबायोटिक प्रोटोजोअन्स। आंतों में रहने वाले फ्लैजिलेट्स, जो कि दीमक में मुख्यतः ट्राइकोनिम्फा तथा कॉलोनिम्फा पाए जाते हैं, सिंबायोसिस दर्शाते हैं तथा अपने परपोषी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दीमक परजीवी को रहने के लिए जगह देती है, जिसके बिना उसका डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। ये सेल्यूलोज को पचाकर घुलनशील लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं, जो फ्लैजिलेट्स और दीमक दोनों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सीलेटा एवं सक्टोरिया गुट की जातियों के सदस्य जलीय मछलियों, क्रस्टेशिया, मोलस्कन आदि की बॉडी की सतह पर एक्टोगमेंसल्स के रूप में रहते हैं।
इस संबंध के कारण परपोषी के गमन के साथ इन सहजीवों का एक स्थान से अन्य स्थान पर स्थानांतरण होता रहता है। फलस्वरूप उचित मात्रा में भोजन, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होती रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सीलिएट्स जैसे निक्टोथिस, बैलेंटीडियम, ओपेलाइना आदि सीलिएटेड फ्लैजिलेट्स जैसे ट्राइकोमोनास, जियार्डिया आदि, कुछ सूडोपोडिया राइजोपोर्ट जैसे एंट अमीबा कोलाई आदि मानव जाति, मेंढक, तिलचट्टे आदि की आंत में एंडोकोमेंसल्स की तरह पास करते हैं, जहां इन्हें परपोषी द्वारा ग्रहण किया पोषण निरंतर प्राप्त होता रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि मानव जाति के अंतरवासी एंट अमीबा कोलाई जैसे अंतर सहजीवी उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया का भक्षण करके परपोषी की रक्षा कर उसे लाभ भी पहुंचाते हैं। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोअन्स। पैलिसिक फोरेमिनाफोरा रेडियोलेरिया के मृत कंकाल समुद्र तल में डूबकर मिट्टी व समुद्री ऊज बनाते हैं। ये सूक्ष्म कंकाल सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। करोड़ों वर्षों के पश्चात ये अवशेष बन जाते हैं और अवसादी शैल स्तर में परिवर्तित हो जाते हैं। इन चट्टानों का चौक और मकानों के पत्थर आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में इन चट्टानों का प्रयोग मिस्र के पिरामिड और पेरिस के राष्ट्रीय भवनों के बनाने में किया जाता था। लास्ट, प्रोटोजोअन्स इन स्टडी। प्रोटोजोआ ही एक ऐसा जीव है जिसका प्रयोग बहुतायत से प्राणी विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र आदि के छात्रों द्वारा किया जाता है। ये ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और कार्बनिक पदार्थों की शुरुआत का एकमात्र सूत्र है। इन्हीं प्राणियों से मेटाजोआ का विकास हुआ है, अतः जीवों की उत्पत्ति व विकास के अध्ययन के क्षेत्र में इनसे सहायता प्राप्त होती है। इन्हें जैव वैज्ञानिक और औषधीय शोध कार्य हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोटोजोअन्स के हैं, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, अमीबा। अब हम हार्मफुल प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सॉइल प्रोटोजोअन्स, जो कि मिट्टी में 200-300 जातियों के प्रोटोजोअन्स पाए जाते हैं, जिसमें सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स व राइजोपोर्ट्स अधिक हैं। ये मिट्टी में रहने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। इस प्रकार इन जीवाणुओं की सक्रियता घट जाती है, अतः मिट्टी में नाइट्रेट्स की कमी होती है, जिससे मिट्टी की उर्वर शक्ति का नुकसान होता है। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। मल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ उस पीने योग्य जल को कंटामिनेट कर देते हैं जहां ये पाए जाते हैं। इस प्रकार कुछ मुक्त जीवी प्रोटोजोआ वाटर बॉडीज के संपर्क में आकर इनके जल को खराब कर देते हैं। इन्हें यूरोग्लिनोफिस प्रमुख है, जो जल में दुर्गंध युक्त एरोमेटिक पदार्थ स्रावित कर उसे प्रदूषित कर देता है। बर्सेरिया जल में कीचड़ जैसी गंध उत्पन्न कर देता है, तथा पेरिडीनियम जल में सीपियों के कवच की गंध उत्पन्न कर उस जल को पीने योग्य नहीं रहने देते जिसमें ये पाए जाते हैं। समुद्री जल में रहने वाले जैव संदिग्ध डायनोफ्लैजिलेट्स, नॉक्टिलुका, जिम्नोडीनियम आदि कभी कभी जल में इतने अधिक हो जाते हैं कि जल का रंग ही लाल दिखाई देने लगता है। इसे ब्लूमिंग कहते हैं। समुद्री जल इस प्रकार गंदा व दुर्गंध युक्त हो जाता है, जिसके कारण क्लैम, ऑयस्टर, सीपिया व मछलियां, जो मनुष्य का भोजन होते हैं, जहरीले हो जाते हैं। इन प्राणियों की मृत्यु अधिक संख्या में होने लगती है। इस प्रकार समुद्री भोजन पदार्थ नष्ट हो जाते हैं।